परिवार नियोजन के बहुत तरीके हैं और तुम अपने परिवार के जरूरत के हिसाब से कोई भी तरीका अपना सकती हो। दीदी, हमने इसे माला डी और माला एन के बारे में अभी इसे बता दिया है। तुम अभी गर्भवती हो, इसलिए प्रसव के बाद यदि तुम परिवार नियोजन के लिए कुछ इसी तरह का गर्भ निरोधक लेना चाहती हो तो छाया या पीओपी ले सकती हो, क्योंकि इसके साथ ही तुम अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हो। कॉपर टी भी परिवार नियोजन का एक तरीका है जो लंबे समय तक के लिए लगाया जाता है और इसे जब चाहो आप लगवा सकते हो। और आजकल तो प्रायः महिलाएं प्रसव के साथ ही इसे लगवा लेती हैं, क्योंकि उस समय इसे आसानी से लगाया जा सकता है। तुम्हें जब भी अगला बच्चा चाहिए उस समय इसे निकलवा सकते हो, और यदि कॉपर टी ही लगवाना हो तो उसी समय लगवा लेना। लेकिन ये ध्यान रहे कि नसबंदी परिवार नियोजन का एक अस्थायी तरीका है। जी हाँ, परिवार नियोजन का निर्णय हमेशा इनकी तरह समझदारी से करना चाहिए। कोरोना के इस दौर में परिवार नियोजन के लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता द्वारा इन सभी उपायों जैसे कॉन्डोम, माला डी या माला एन, अंतरा की सुई आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या उसे आसानी से अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। कॉपर टी या नसबंदी जैसी सुविधाओं में देरी या उनकी अस्थायी उपलब्धता की जानकारी भी आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से पा सकते हैं। ध्यान रहे, इस स्वास्थ्य केंद्र पर जाते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें। इसके अलावा खांसते या छींकते समय हमें रुमाल, कोहनी या फिर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अपने आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए एवं इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, तथा 2 गज की सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना चाहिए। सावधानी एवं संयम को अपनाना है। आइए कोरोना को मिलकर हराना है।